मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने ये संवाद का अवसर उपलब्ध कराया, लेकिन इस संवाद के माध्यम से हम कई सारे बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। मैं इसलिए भी संस्थान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऐसा विषय रखा जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को नए परिप्रेक्ष्यों में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आदिवासियों के धर्म संबंधी सवालों से हम रूबरू हो सकते हैं। और मेरे लिए इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम आदिवासी विश्व दृष्टि से संवाद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, सैमसन जी थोड़ा बहुत फॉलो कर लेंगे, समझते हैं। नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा अंग्रेजी भी मिला करके बोलिएगा, तो मैं उनसे माफी के साथ में हिंदी में जारी रख रहा हूं। मित्रों, जब आदिवासियों के सवालों पर आज हम विचार करते हैं तो हम इस विषय के बहाने उनके उस विजन को, उनकी समस्याओं को भी समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जब आदिवासियों के सवालों पर विचार करता है, या हम साहित्य में और समाज विज्ञानों में इस प्रश्न पर विचार करते हैं, तो हमको जरूर उस कालखंड में जाना होगा, उनकी विश्व दृष्टि को, उनके दर्शन को समझना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा, तभी हम समाधानों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जीवी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की एक अच्छी पहल है कि समाज विज्ञान और साहित्य के लोगों को मिला दिया गया, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खासियत है, विशेषताएं हैं। समाज विज्ञानों में बहुत काम हुए हैं, लेकिन साहित्य के माध्यम से भी आदिवासी प्रश्नों को या विभिन्न सामाजिक प्रश्नों को समझा जा सकता है। और ये निदेशक महोदय के साहित्यिक बैकग्राउंड की वजह से शायद संभव हो पाया है कि साहित्य और समाज विज्ञानों का एक समागम, संगम यहाँ पर हो रहा है। आज जब तमाम विचारधाराएं ऐसा लगता है कि सृष्टि को बचाने के लिए नाकाफी हो गई है, मुक्ति की बहुत सारी विचारधाराएं आई, उनसे हमने उम्मीदें जगाई, और फिर हमने पाया कि वो विचारधारा नाकाफी हो गई, उस विचारधारा की सीमाएं सामने आने लगी। ऐसे में ये समय है कि हम वैकल्पिक विचार दृष्टियों को, वैकल्पिक दर्शनों को अपनी परंपरा में तलाशे। और भारत इस मामले में एक समृद्ध देश है कि जहां पर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों संस्कृतियां हैं, और जब हजारों भाषाएं और सैकड़ों संस्कृतियां हैं तो हर भाषा और संस्कृति के साथ में एक विचार दृष्टि भी है, एक ज्ञान परंपरा भी है। बहुत सारी विचार दृष्टियों पर बात हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी विचार दृष्टियां मौखिक परंपरा में विद्यमान है, उनके बारे में बहुत सीमित बातचीत हुई है, सीमित संवाद हुआ है। इस तरह के विषयों के बहाने हम उन पर बात कर सकते हैं और दुनिया के लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश कर सकते हैं। हम जब किसी भी मुक्तिकामी आंदोलन में होते हैं या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में होते हैं, तो हम हमेशा ये सपना दिखाते हैं या खुद देखते हैं कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम दुनिया को बेहतर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास विजन क्या है, हमारे उस विजन को साकार करने में, उसको मूर्त रूप देने में आदिवासी इतिहास, आदिवासी दर्शन भी हमारी मदद कर सकता है। उसको एक्सप्लोर करने का ये मौका है, उसको समझने का ये मौका है। आज एक बहुत बड़ी समस्या आदिवासियों के बारे में यह है कि
अकादमिक जगत में आदिवासी प्रश्नों को हम गैर आदिवासी दृष्टि से मुख्य तौर पर देखते हैं, यानी हमने कुछ पैरामीटर्स बना लिए हैं, कुछ प्रतिमान बना लिए हैं, उसके आधार पर हम आदिवासी उसमें कितना फिट बैठते हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, उस दृष्टि से हम आदिवासियों का मूल्यांकन करते हैं। हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को भी इसी दृष्टि से देखते हैं, और इसी वजह से अब धीरे धीरे जब सवाल्टन इतिहास दृष्टि सामने आई तो कुछ आदिवासियों के बारे में भी पढ़ा दिया, उनके बारे में बता दिया। बाकी हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनकी भूमिका को लगभग नकारते रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को हम एक अलग चश्मे से देखते हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि हम आदिवासी पर्सपेक्टिव से भी हमारे नेशनल मूवमेंट को देखें, हमने उनसे क्या सीखा, क्या सीख सकते हैं, इस बात को समझें। और आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ इंडिजिनियस राइट्स की बात करता है तो उसमें एक बात पे बहुत जोर देता है, जो आर्टिकल 3 में उसमें लिखा हुआ है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, आत्मनिर्णय का अधिकार। आज आप देखें कि क्या हम भारत के लोकतंत्र में आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर बात करने की स्थिति में हैं? क्या संविधान सभा की बहसों के बाद कभी आत्मनिर्णय के अधिकार की बात की गई है? क्या हम उसके साथ में खड़े हो सकते हैं? क्या उसको ठीक से समझते भी हैं? इन सवालों के जवाब भी आपको आदिवासियों के मुक्ति आंदोलनों में खोजने को मिलेंगे। आदिवासी मुख्य धारा के समाजों से, मुख्य धारा हालांकि एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है, कौन सी धारा मुख्य है और कौन सी गौण है, ये अपने आप में वेल एक्सेप्टेड या वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी चलताऊ भाषा में उनसे अलग थलग समाज रहे हैं, मुख्य धारा के समाजों से उनके प्रश्न अलग रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी विश्व दृष्टि अलग रही है। आदिवासी आंदोलनों पर समाज विज्ञानों में बात करते हैं, उनके आंदोलनों को 3-4 भागों में बांटा जाता है। एक उनके एथनिक मूवमेंट्स, नृजातीय आंदोलन, जिसमें जब कोई एक समूह ये महसूस करता है कि उसके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको हाशिए पर धकेलने की कोशिश होती है, उसके साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती है, तो वो समूह के आधार पर ही एकजुट होते हैं और अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एकजुट होते हैं। फिर आदिवासियों के सुधार आंदोलनों का इतिहास, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आप कह सकते हैं, जिसमें जब आदिवासी दुनिया में दिकुओं ने, यानी जो बाहरी समाजों के लोगों ने प्रवेश करना शुरू किया, खासतौर पर जमींदारों और साहूकारों ने, ईसाई मिशनरियों ने, तो उन्होंने आदिवासियों को ये महसूस कराने की कोशिश की कि आप लोग बहुत पिछड़े हो, असभ्य हो, और फिर आदिवासी नायकों ने ये महसूस किया कि सच में कुछ समस्याएं तो हैं, पिछड़े और असभ्य होना हो लेकिन कुछ समस्याएं हैं और हमको वे समस्याएं दूर करनी चाहिए। मसलन डायन प्रथा, मसलन भूत प्रेत में यकीन करना, शैतानी आत्माओं में यकीन करना, उनको खुश करने की कोशिश करना, नशाखोरी की समस्या, ये वास्तविक समस्याएं जो आदिवासी समाज में किन कारणों से आई, लेकिन ये समस्याएं मौजूद थीं। तो अपने शोषकों, जो जमींदार साहूकार है और ईसाई मिशनरी या अंग्रेज हैं, उनसे बेहतर खुद को साबित करने के लिए आदिवासी नायकों ने इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म की कोशिशें की। एक वर्गीकरण यह है। फिर उनके कुछ आंदोलन है जो राजनीतिक स्वायत्तता के लिए है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए,
अब ये वाला सवाल वहां जाकर के मिलता है कि जो अब संयुक्त राष्ट्र संघ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है या आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है, या मैं कहूंगा कि दुनिया के सारे आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग, आज सिर्फ भारत नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग है कि हम जैसे रहते हैं वो चुनने का अधिकार हमें हो, आप हमें मत बताइए कि हमें कैसे रहना चाहिए। आज आप देखेंगे कि एकेडमिक बहसों में, कैंपसों में, राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में ऐसे लगने लगा है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग रिजर्वेशन है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा लेकिन आदिवासियों की मांग रिजर्वेशन कभी नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी मांग रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन दलितों की मांग थी, दलितों की मांग भी नहीं थी, वो पूना पैक्ट के बाद में एक ऐसी स्थिति बन गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बन पाए तो चलो प्रतिनिधित्व की बात की जाए, तो उसी के बरक्स दूसरे जो पिछले समुदाय माने गए उनको भी रिजर्वेशन के दायरे में ला करके, लेकिन धीरे धीरे 70-80 साल में ये हुआ कि लोग मानने लगे कि आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग रिजर्वेशन है और सीटों को फुलफिल करो, नौकरियां दो, बस यही सबसे बड़ी मांग है। ये मांग नहीं है, उनकी मांग है हमारा शासन हो, हमारे इलाके में हमारी ऑटोनॉमी हो, बाहरी दखल बंद हो। ये अगर आप दोनों चीजों को देखें तो ये एक बड़ी और व्यापक मांग है, रिजर्वेशन बहुत छोटी चीज है उसके आगे। फिर आदिवासियों ने खेती और वन अधिकार के लिए आंदोलन किए, समाज विज्ञानों में जो कैटेगराइजेशन किया जाता है उनमें उनके एथनिक मूवमेंट्स, उनके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, उनके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए मूवमेंट और उनके खेती और वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट वगैरह के लिए उन्होंने जो आंदोलन किए, इन सब को हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना समझना चाहिए। इससे हमारा आजादी का विजन भी मुकम्मल होगा। जैसे हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट को, वो अपने आप को फाइन ट्यून करता है, अपने आप को सुधारता है। जो 1857 का विजन है, 1857 की समझदारी है, वो 1885 तक में आके बदलती है, 1885 वाली समझदारी 1920 में आके बदलती है, 1920 वाली समझदारी 1942 में आके बदलती है और 47 तक काफी बदल जाती है। जैसे वो अपने आप को सुधारते हैं और उसके बाद भी चूंकि उसमें कुछ कमियां रह गई तो इसलिए आजादी के बाद में एक मोहभंग की स्थिति आती है, क्योंकि हमने सपने बहुत देखे, हमने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें सब बराबर होंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के विजन में कुछ खामियां थी। तो इस तरह के संवाद, उन खामियों पर बात करने के लिए स्वतंत्रता के विजन को व्यापक संदर्भों में समझने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आदिवासियों ने किस लिए आंदोलन किए, उनके आंदोलनों का धर्म से क्या संबंध है, इस प्रश्न को अगर हम समझें तो जब आदिवासी बाहरी समाजों से अलग थलग अपने जंगलों में, अपने इलाकों में रह रहे थे, जहां पे उनकी अपनी सत्ताएं थी, अब वो सत्ता कहना या उनके अपने क्षेत्र थे जहां पे बाहरी दखल लगभग नहीं था, उसमें जब अंग्रेजों ने दखल करना शुरू किया, जब स्थानीय जमींदारों और साहूकारों ने वहां पर दखल करना शुरू किया, ईसाई मिशनरियों ने दखल करना शुरू किया, और सबने मिलकर आदिवासियों को आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर शोषित करना शुरू किया। आदिवासियों के प्रश्न दो तरह के हैं, कुछ आर्थिक प्रश्न है, कुछ सांस्कृतिक प्रश्न है, और जितना मैं जानता हूं समाज विज्ञानों में आर्थिक प्रश्नों पर ज्यादा बात हुई है, सांस्कृतिक प्रश्नों पर कम बात हुई है, ना के बराबर बात हुई है। ये बात लगातार दोहराई जाती है, आज भी जब आदिवासियों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं तो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है,
प्रति व्यक्ति आय कितनी है, या उनके लिए जो सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, यानी हमारा सारा अध्ययन आर्थिक प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। चूंकि आदिवासी आइडेंटिटी वो कोई आर्थिक आइडेंटिटी नहीं है, वर्गीय अवधारणा नहीं है आदिवासी, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। तो उसमें सांस्कृतिक प्रश्नों की उपेक्षा करके आप आदिवासियों के प्रश्नों को ठीक से समझ नहीं सकते। इसलिए हमको दोनों आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों प्रश्नों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जिन इलाकों पर आदिवासी सदियों से रहते आ रहे थे, उन इलाकों में आदिवासियों को जाकर के बताना शुरू किया कि आप ऐसे नहीं ऐसे रहो, आप ये खेती मत करो, ये खेती करो। सारे आंदोलन जो 18वीं और 19वीं सदी में मुख्य तौर पे हुए, 20वीं सदी की शुरुआत में भी हुए, वो आंदोलन इसी के इर्द गिर्द हैं कि जब कोई बाहरी हस्तक्षेप आकर के उनको ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो और इतना कर दो हमें इसके बदले में। जो इलाके जिनके बारे में आदिवासियों का दावा है, आज भी दावा है, हमेशा से दावा रहा है, उनके पुरखों से उन्होंने यही सीखा है कि इन जंगलों को हमने आबाद किया, हजारों वर्षों तक इन जंगलों का हमने बचाव किया, ये जंगल हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे बाहर के लोग समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, उनसे मुनाफा कमाने के बारे में सोचते हैं। नियामगिरी का उदाहरण आपके सामने है, जब बारे के बारे ग्राम सभाओं ने कहा कि नियामगिरी हमारा पिता है, हमें वेदांता में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, वेदांता का कोई लाभ नहीं चाहिए, हमें हमारा नियामगिरी पिता चाहिए, ये रिश्ता जिसमें वो एक अधिकार समझते हैं, एक पहाड़ के ऊपर, किसी नदी के ऊपर, किसी जंगल के ऊपर, इस रिश्ते को आकर के बाहरी समाजों ने, अंग्रेजों ने और जमींदारों पूंजीपतियों ने आकर के इसको डिस्टर्ब कर दिया, कर व्यवस्था लागू कर दी। वो जो अपने आजीविका के लिए, अपना अपना पेट भरने के लिए जिस तरह की खेती करते थे, उस खेती को ये बताया गया कि नहीं, ये खेती फायदे की नहीं है, इस चीज की जगह ये चीज बोई जानी चाहिए और इसमें हमको आपको लगान देना होगा। यानी अंग्रेजों की पसंद की फसलें आप देखें कि जो दामिनी कोह का इलाका है वहां पर इसको लेकर के बड़ा मूवमेंट चला। एक तो उनकी अपनी जमीन, संथालों की अपनी जमीन, उस जमीन पर उनको बताया गया कि इसको आप साफ करो, पूरा जंगल हटाओ। आदिवासी ऐसा करते आए थे कि वो जिसको झूम खेती कहते हैं, एक जगह बदल करके दूसरी जगह, जैसे एक जगह थोड़ा जंगल साफ किया अपने लायक, जिसमें वो कुछ खेती करने लगे, जब लगा कि अब यहां पर खेती नहीं हो रही है, कुछ जगह बदलते हैं, दूसरी जगह जाके खेती करने लगे। ऐसे ये उनका ट्रेडिशन था, लेकिन वो किसी और के कहने से और पूरे जंगल को उजाड़ करके नहीं करते थे। अगर उस खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए 10 पेड़ काटने पड़ते थे तो वो 50 पेड़ लगाते भी थे उसके बदले में, और इसलिए जंगल आबाद रहे। लेकिन उनसे कहा गया कि ये खेती को, पूरे जंगल को खत्म करो और ये खेती करो, और उसमें बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिया गया। संथाल हूल के बैकग्राउंड में वो दामिनी कोह में जो अंग्रेजों के नियम है वो उसके मूल में काम कर रहे थे। संथाल हूल, जिसको अंग्रेजी में लोग हूल रेबेलियन वगैरह कहते हैं, वो आप सोचिए कि 1857 से हम आजादी की लड़ाई की शुरुआत मानते हैं, उससे 2 साल पहले संथाल हूल हो चुका है। उसकी चर्चा आजकल होने लगी है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी आम विद्यार्थी, आम लोग जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं, वो नहीं जानते उसके बारे में। एक ऐसा आंदोलन जिसमें 20,000 लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, सीधी लड़ाई, उसके बारे में हम नहीं जानते, हम नई पीढ़ी को बताना भी नहीं चाहते। 1838 से 1854 के बीच में लगान 21 गुना कर दिया गया दामिनी कोह के इलाके में, 21 गुना लगान।
तो इसके खिलाफ वो लोग एकजुट हुए, सीधो कानो, चांद भैरव, उन्होंने कहा भाई ये जमीन हमारी है। वो आदिवासी खुद को नेचुरली उस प्रकृति का, धरती माता का संरक्षक मानते हैं, केयर टेकर मानते हैं कि ये प्रकृति ने हमको अधिकार दिया है कि ये जमीन हमारी है। और हम जैसे एक कन्वर्सेशन है, खैरवाड़ आंदोलन में ये है कि भाई ये कि ये धरती किसने बनाई है, ये अनाज किसने बनाया है, तो कि इसको हमारे भगवान ने बनाया है, जिस भी वो प्रकृति में और जिसमें भी यकीन करते हैं उसमें। अनाज कौन उपजाता है, इसमें मेहनत कौन करता है, हम करते हैं, तो फिर कर किस बात का, इसका रेंट क्यों पे करें हम। सीधे हर आंदोलन में ये बात आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो उस जगह पर, उन जंगलों पर अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। और उसमें कोई मीडिएटर कोई कैसे हो सकता है, कोई बाहर से आया वो व्यक्ति ये कैसे क्लेम कर सकता है कि इसके बदले में आप इसमें ये फसल उपजाओ, इसके बदले में हमको टैक्स दो, इसको नकार दिया। तो इससे एक बात समझ में आती है, देखिए कि जो बहुत सारे आंदोलन हुए, मोरवाल साहब ने कुछ का जिक्र किया, आने वाले सत्रों में मेरे ख्याल से उन आंदोलनों के बारे में पर्चे पड़े जाएंगे, एक एक आंदोलन पर विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन जो कुछ कॉमन फैक्टर उन आंदोलनों के हैं या उनका महत्व, वो हम उस पर कुछ संक्षेप में बात कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की दृष्टि से आदिवासी आंदोलनों को देखता हूं तो बड़े महत्वपूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा महत्व है कि वो न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि वो भारतीय सामंतवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे, जमींदारों साहूकारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। जिसकी मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में धीरे धीरे एक निखार आता है, लेकिन अंत तक भी सीमाएं छूट जाती हैं। वो आदिवासी आंदोलन में वो सवाल शुरू से शामिल है। उनकी लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि ये अंग्रेज चले जाएं, जो भी उनके ऊपर शोषण करता है, जो भी बाहरी व्यक्ति है जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, सब बाहर जाओ, सब दिखू बाहर जाओ, हमारे जीवन में दखल करना बंद करो। ये वाली बात देख, जब आजादी की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि साहित्य की भी चर्चा हो रही है, प्रेमचंद इस बात को नोटिस करते हैं कि आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम, लेकिन किसान जमींदारों के शोषण के तले दबे हुए हैं, उन जमींदारों के शोषण के तले जो जमींदार कांग्रेस के मेंबर हैं, जो जमींदार आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं, लेकिन वही जमींदार किसानों का शोषण कर रहा है, वही पूंजीपति किसानों और मजदूरों के शोषण कर रहे हैं, तो फिर कैसी आजादी। तो उस आजादी के सवाल को जैसे प्रेमचंद उठाते हैं, वो सवाल आदिवासी आंदोलनों में शुरू से शामिल है। आजादी के विजन को मेरे ख्याल से वो व्यापक करते हैं, उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। वे अपने क्षेत्र पर पूर्णाधिकार चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, ऐसा पूर्णाधिकार जैसा उनका पुरखों का रहा। हर आंदोलन में आप देखेंगे कि जो उनके अगुवा हैं वो कहते हैं कि हम उस स्वर्ण युग में लौटना चाहते हैं। स्वर्ण युग कौन सा स्वर्ण युग? कोई ऐसा स्वर्ण युग नहीं कि वो सबके ऊपर राज करे, बल्कि वो कि जैसे पुरखों की ये धरती है, जैसे पुरखों ने हमको सौंपी है, फिर से इस धरती पर हमारा अधिकार हो, हम सब इसको बचा पाएं, अपनी शर्तों पे जी पाएं। तो उसमें सत्ता में कोई हिस्सेदारी की बात नहीं है, या सत्ता को पदस्थापित करने की बात नहीं है कि इनकी जगह हमारी सत्ता आ जाए, ये धरती हमारी है, हम अपनी शर्तों पर रहेंगे, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, साफ साफ बात एकदम। लेकिन जो मौजू है, आज के सेमिनार का विषय है, उसमें एक रिलीजियस फैक्टर भी जोड़ा गया कि रिलीजन्स की क्या भूमिका है। अब इस विजन को साकार करने के लिए आदिवासी नायक नायिकाएं क्या करते हैं कि वो धर्म का भी सहारा लेते हैं।
आप याद कीजिए कि जो 18वीं 19वीं सदी का दौर है वो पूरे भारत में धर्म सुधार आंदोलनों का भी दौर है, और धर्म उस अर्थ में नहीं, उतना व्यवस्थित और उतना शास्त्र आधारित नहीं जैसा कि अक्सर हम धर्म को समझते हैं कि एक उसका पवित्र ग्रंथ है, उसकी कुछ पूजा पद्धतियां हैं, उस अर्थ में नहीं। लेकिन जो आदिवासी आंदोलनों के अगवा लोग हैं वो लोगों को एकजुट करने के लिए एक टूल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे एकजुट करना है कि लोगों को ये महसूस कराना है कि जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की मुक्ति का आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा नहीं है, वो सिंह बोंगा की इच्छा है, वो धर्मेश की इच्छा है। सिंह बोंगा, ये धर्मेश, ये जैसे उरावों के देवता या मुंडाओं के देवता, ये उनकी इच्छा है, उन्होंने हमें आदेश दिया है। जैसे कोई नायक कहता है कि मुझे सपने में आकर के बात कही, कोई बताता है कि मुझे ऐसी आकाशवाणी जैसा हुआ, उन्होंने कहा कि जाके दिकुओं को भगा दो। इसके आधार पर लोगों को एकजुट करते हैं। तो धर्म का उस स्वाधीनता के विजन को साकार करने के लिए वो खुद को ईश्वर का है, या अपने जो ईश्वर की अवधारणा है या गॉड की अवधारणा है, और आदिवासी विश्वासों में जो ईश्वर की अवधारणा है वो भिन्न है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन वो खुद को उसका प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तरह से पैगंबर हैं। अब मेरे ख्याल से जो खुद को वो एक पैगंबर के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा भी ऐसे प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं सिंह बोंगा ने मुझे कहा है, मैं सिंह बोंगा का उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, खुद वो कहने लगे ये बात। और ये कई लोगों को एक कंट्रोडक्शन की तरह लगता है कि एक तरफ तो आदिवासी प्रकृति में यकीन करते हैं या किसी ईश्वर और पैगंबर में यकीन नहीं करते, फिर वो कैसे खुद को कह रहे हैं। लेकिन बिरसा मुंडा ने यह किया, बहुत सारे सन्यासी आंदोलनों में यह हुआ, खैरवाड़ आंदोलन में यह हुआ, टाना भगत आंदोलन में यह हुआ, कई आंदोलनों में ऐसा हुआ कि जब उसके अगवा खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके ऐसे संवाद है, उनके ऐसे भाषण हैं जो उस वक्त के लोगों ने सुने, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने, इतिहासकार लोगों ने उनको दर्ज किया अपनी किताबों में। कुमार सुरेश सिंह, फादर हाफमैन, उनके यहां दस्तावेजों में चीजें दर्ज हैं। ऐसे गीत मौजूद है अभी भी, जब जो बिरसा मुंडा गाया करते थे या उनके फॉलोअर्स ने गाना शुरू किया, वो सब मौजूद है। तो ये मेरे ख्याल से जो खुद को एक ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करना, ये ईसाई धर्म का प्रभाव उनके ऊपर मुझे लगता है कि उसकी वजह से, क्योंकि वो एक मिशन स्कूल में कुछ दिनों तक पढ़े, उनके संपर्क में आए, और ईसाई धर्म के का भारत में देखेंगे कि ईसाई मिशनरियां जो झारखंड में या पूर्वोत्तर भारत में और जहां जहां पर उन्होंने अपने काम करने शुरू किए, उन इलाकों पर ये घटनाएं ज्यादा घटी। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के बाद में खुद को उन्होंने जो पैगंबर के तौर पर प्रस्तुत करना किया, वो ईसाई धर्म का प्रभाव था। लेकिन एक चीज और साथ में हुई इसमें कि एक तरह का शुद्धि आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया, शुद्धि या शुचिता, प्योरिटी का। आमतौर पर दुनिया भर के आदिवासियों में है कि वो जो चाहे वो खाते हैं, कोई ये शाकाहार का कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। लेकिन उस दौरान जो आंदोलन हुए उसके अगवाओं ने कहा कि नहीं, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम बलि प्रथा को त्याग देंगे, ऐसी शुद्धि की बातें, नित्य प्रतिदिन स्नान करेंगे, ये सारी बातें ऐसी थी जो उनके शोषक जमींदार और साहूकार, जो सवर्ण हिंदू समाज के लोग जो आचरण कर रहे थे कि ये हमको नीचा ना समझें, हम भी साफ सुथरे हैं, हम भी धार्मिक आचरण करते हैं, तो हिंदू जमींदारों और साहूकारों के श्रेष्ठता बोध को तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरह की शुद्धता वाली चीजें अपने विश्वासों में शामिल की। इन आंदोलनों की एक विशेषता यह रही कि ये बहुत छोटे समूह से शुरू हुए। जैसे अब भाई
लोग ये कह सकते हैं कि ये इनको हम फ्रीडम मूवमेंट में इसलिए शामिल नहीं करते, नेशनल मूवमेंट का हिस्सा इसलिए नहीं मानते, ये तो बहुत छोटे समुदाय को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से इनका महत्व यह है, वैसे तो हर आंदोलन जो स्वयं 1857 है उसका भी दायरा कोई राष्ट्रीय नहीं था कि वो पूरे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ हो, उसका भी दायरा सीमित था, बाद के बहुत सारे आंदोलनों के दायरे सीमित थे। लेकिन आदिवासी आंदोलनों का महत्व यह है कि उनका विजन व्यापक है, उनकी आजादी की समझदारी व्यापक है। अगर उस दृष्टि से हम देखें तो हम, आप सोचिए कि आदिवासी कैसा देश बनाना चाहते थे, कैसे समाज की कल्पना कर रहे थे, इस दृष्टि से उनके आंदोलनों को देखा जाना चाहिए। उनके ज्यादातर आंदोलनों का हश्र यह हुआ कि उनके नायक पकड़े गए, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, उनकी संख्या लंबी है, और वो आंदोलन खत्म हो गए। लेकिन उन आंदोलनों ने आने वाले समय के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया, वो उनकी कहानियां मौखिक परंपरा में विद्यमान रही, उन्होंने आने वाली पुस्तकों को, आने वाली जनरेशंस को प्रभावित किया, और इन आंदोलनों में स्त्रियों की भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी रही। चाहे आप देखें फूलो झानो को, सिंगी दई को, रानी गाइदिनली को, जिन्होंने लीड किया आंदोलनों को, क्योंकि आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष संबंध अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं, तो उन्होंने। तो मित्रों, आज हम जब इस प्रश्न पर बात कर रहे हैं तो हम ये एक प्रस्थान बिंदु की तरह इसको ले सकते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को और व्यापक नजरिए से